हेलो गाइस एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइस टुडे आई एम जॉइनिंग यू ओवर हेयर आज का जो मोटो है वो कोई कंटेंट डिस्कस करना नहीं या कोई टॉपिक डिस्कस करने का नहीं है लेकिन डिस्कशन उस कंटेंट या उस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो बहुत कम समय आपका लूँगा लेकिन कुछ बातें जो है मैं आपके आ, सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ एक बड़े दिनों से यानी कि दो तीन दिनों से आई एम ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम जो मुझे आंसर चेक करते हुए जो टेलीग्राम के ऊपर आप आंसर चेक भेजते हो आई ऑल्सो चेक आंसर फॉर वेरियस अदर इंस्टीट्यूट एज वेल लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू मैं कुछ एक आध इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए भी आंसर्स चेक करता हूँ तो मेरे एक पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया कि अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है शायद कुछ ऐसी एक खबर जो है वो फैल गई है आई डोंट नो द रीजन कि वो क्यों हुआ है या उसके पीछे कारण क्या है सम स्टूडेंट्स हैव टोल्ड कि उन्होंने किसी uh, टॉपर का वीडियो देखा है या जैसा भी है कुछ एंड सडन डिटीरियोरेशन आंसर्स के अंदर मुझे दिखने लगा काफी बच्चे जो पहले अच्छे आंसर्स लिख रहे थे उनके आंसर्स में भी डिटेरियोरेशन देखने को मिला एंड अल्टीमेटली जब मैंने बच्चों से बात की तो मुझे क्या रियलाइज हुआ दे सेड कि सर हमने एक इंटरव्यू देखा एंड अल्टीमेटली वी आर रियलाइज्ड कि उस इंटरव्यू में ये बोला गया कि आंसर जो है वो टू फिफ्टी वर्ड्स के अंदर लिखें टू फिफ्टी वर्ड्स तक आप ख़त्म कर दें अगर आपका फोर हंड्रेड वर्ड का आंसर है तो आप उसको ढाई सौ वर्ड में ख़त्म कर दें आपका अगर छः सौ वर्ड का आंसर है तो आप उसको तीन सौ वर्ड में ख़त्म कर दें ठीक है अब जिसने भी ये बात बोली मैं ये नहीं कह रहा कि ही और शी आई मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा यूट्यूब के ऊपर मैं तो जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर बात कर रहा हूँ ठीक है तो मैं किसी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ 250, फिफ्टी थ्री वर्ड्स का जो फॉर्मूला है क्या पता वो उस पर्सन के लिए सक्सेसफुल हो गया हो आप नहीं जानते कि उसका वुकैब कितना स्ट्रांग था आप ये नहीं जानते उसका कंटेंट राइटिंग कितना स्ट्रांग था आप ये नहीं जानते कि उसका राइटिंग के अंदर एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग था ये सारे फैक्टर्स भी हो, हो सकते हैं हो सकता है कि वो 400 का करके 250 वर्ड का और सब लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती है आप किसी एक टॉपर का इंटरव्यू देख करके आप अगर सोचो कि मैं भी अपने सारे 400 वर्ड के आंसर 250 वर्ड में लिखूंगा या लिखूंगी या 600 वर्ड के आंसर सारे वर्ड में लिखूंगा या लिखूंगी तो आप अपना पेपर खराब कर लोगे आपका प्रीलिम्स जो क्लियर हुआ है फेज वन जो क्लियर हुआ है वो भी आप खोदोगे ठीक है इसके अंदर बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप कम वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप अपनी वर्ड्स को बचाने के चक्कर में पॉइंट्स नहीं लिखोगे तो अल्टीमेटली आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे अगर आपने अपना कंटेंट ही नहीं कंप्लीट किया तो आपने क्या ये वर्ड बचा करके जेब में डाल करके घर लेकर के जाने हैं क्या कि पेपर नहीं कंप्लीट होता टाइपिंग नहीं पूरी हो पाती तो टाइपिंग पूरी होने के लिए तो दो साल से क्या कर रहे थे तुम लोग अब तुम अगर ढाई सौ वर्ड का Vocab आपका है, आपका जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर कोई दूसरा बच्चा पच्चीस वर्ड में अपनी बात एक्सप्रेस कर पा रहा है तो आप उसको दस वर्ड में एक्सप्रेस कर दे रहे हो तब आप कर सकते हो उसको क्या ये फॉर्मूला आप सबके लिए सुटेबल है मैं टेलीग्राम के ऊपर बड़े सारे आंसर चेक कर रहा था और भी मैं आंसर चेक कर रहा था मेरे को ये एक प्रॉब्लम दिखने लगी और मेरे को लगा पता नहीं यार एकदम से ये क्या बीमारी सी फैल गई है सच में ऐसा लगा जैसे बीमारी फैल गई हो 600 वर्ड के आंसर बच्चे 250 250 300 300 वर्ड के अंदर लिख करके भेज रहे हैं एंड दे आर सपोजिंग कि वो आंसर सही होगा बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए टेलीग्राम पे अभी तक चेक ही नहीं हुए हैं काफी क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली नंबर भी क्या दें उसके अंदर रिव्यू भी देने को कुछ बचता नहीं है रिव्यू क्या दें उसमें सही गलत के लिए तो आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा ना कि बताएं उसमें कि ये कमियां या ये चीज ठीक कर लो क्योंकि लिखा ही कुछ नहीं है ये तो वही बात हो गई कि खाली पेपर छोड़ाओ फिर तो और अच्छा सारा ही टाइम बच गया सारी वर्ड लिमिट बच गई ऐसा नहीं होता बेटा और वो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप कम वर्ड के अंदर अपने सारे पॉइंट लिख देते हो और बात बन जाती है लेकिन वो सब क्वेश्चन के अंदर नहीं चलता राइट नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन चार सौ वर्ड का क्वेश्चन अगर है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया हजार वर्ड का ऐसे भी लिख सकते हो आप तो क्या आप उसको 200 वर्ड में लिख करके जस्टिफाई कर दोगे अपने आंसर को ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया उसके एडवांटेजेस क्या आते उसके लिमिटेशंस क्या हैं उसके कंक्लूजन क्या हैं ये सब आप कैसे लिख दोगे 200 वर्ड में बच्चे क्या कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स लिख रहे हैं जैसे नोट्स बना रहे हो। करके कि ये जो है टीचर अपने आप जाकर के जो इवेल्युएटर होगा पेपर में वो अपने आप समझ लेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कोई दिव्य दृष्टि खुलेगी क्या उसकी तो ये सब चीजें मत करो हो सकता है जिसका आपने इंटरव्यू देखा हो उसके लिए ये फॉर्मूला कामयाब कर गया हो ठीक है लेकिन ये फॉर्मूला सबके लिए सक्सेसफुल होगा ये जरूरी नहीं है हम आपको जो चीज बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आपका जो आंसर होना चाहिए उसके अंदर आपने मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं पॉइंट्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करो हाँ आपका कोई आंसर है और आपका वो 400 वर्ड का आंसर है आपके पास 200 टू 250 वर्ड्स का ही कंटेंट है तो उसको जबरदस्ती खींचो मत कि मेरे को 400 वर्ड का आंसर करना है ठीक है उसको जबरदस्ती नहीं खींचना अगर आपके पास ढाई वर्ड का कंटेंट है आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है आपके पास लिखने को ही कुछ नहीं है तो उसको जबरदस्ती खींचो मत जैसे हम कॉलेज में किया करते थे ना कि भाई पांच पेज का आंसर लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे तो जैसे कैसे चाहे उसके अंदर किसी पिक्चर की कहानी लिखा है लेकिन पांच पेज भरने हैं वो चीज भी नहीं हमने करनी लेकिन मैं आंसर जिन बच्चों के चेक कर रहा था आई हैव ऑब्जर्वड बहुत से बच्चे उनके पास कंटेंट है उनके पास डेटा है उनके पास पॉइंट्स हैं पर उनको रोग लग गया है ये अफवाहें फैलती हैं पेपरों के टाइम पर मार्केट के अंदर जो खराब कर देती हैं पेपर बच्चों के और आपको पता भी नहीं चलेगा ढाई तीन चार सौ वर्ड का आंसर को ढाई सौ वर्ड में लिखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए क्या आपकी उस लेवल की प्रैक्टिस है आप लिख करके भेजो मैं ये नहीं कह रहा कि 400 वर्ड का आंसर 400 में ही लिखो आप लिख करके भेजो 400 का वर्ड का आंसर 250 में लेकिन उसके अंदर पॉइंट्स तो कवर हो ना कोई उसके अंदर प्रेजेंटेशन निकल करके आ रही है 200 250 ढाई वर्ड का जो बच्चे आंसर लिख करके भेज रहे हैं सिंगल सिंगल पॉइंट्स लिख करके भेज रहे हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ के अंदर बेटा फंस जाओगे अभी भी पेपर को काफी टाइम बचा हुआ है निकल जाओ इस चक्कर से ये मुझे तो अभी कल पता चली है ये बातें कल कम से कम पाँच छह बच्चों से फोन के ऊपर बात हुई ठीक है और फिर बच्चों के पेपर भी देखे और इंस्टिट्यूट्स के बच्चों के पेपर भी देखे तो ऐसा लगा कि यार ये एकदम से क्या हो गया वट हैज हैपन्ड पता ही ना चल रहा है कि ये बच्चे एकदम से आंसर्स को कि किस तरीके से लिखने लगे हैं तो ऐसा मत करें मैंने आपको पहले भी शायद फॉर्मूला बताया एट्टी जस्ट सेकंड लेट मी इरेज दिस देखो सा फंडा है जो आप यूज करो अगर आपका 400 वर्ड का आंसर है आप उसको खत्म करने की कोशिश करो 350 फिफ्टी टू थ्री वर्ड्स के अंदर और आपका अगर 600 वर्ड का क्वेश्चन है तो उसको आप 550 वर्ड्स तक खत्म करने का टारगेट रखो आप ये मत सोचो कि 500 वर्ड का आंसर मैं ढाई वर्ड में या 300 वर्ड में खत्म कर दूं और 400 वर्ड का आंसर मैं 200 वर्ड में खत्म कर दूं। आप अपने पेपर के अंदर नंबर गवा बैठोगे और कुछ भी नहीं होगा ना आप उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाओगे इंट्रोडक्शन भी चाहिए कंक्लूजन भी चाहिए बॉडी भी चाहिए सब कुछ चाहिए ठीक है और दूसरी चीज एक फार्मूला जो मैंने पहले भी दिया है टेन रेशियो एट्टी रेशियो टेन ये फॉर्मूला याद रखना है जितने वर्ड का आप आंसर लिख रहे हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपका चार सौ वर्ड का आंसर है चार सौ वर्ड के आंसर में हम कहते हैं कि चालीस वर्ड इंट्रोडक्शन को दो चालीस वर्ड आपके कंक्लूजन को जाएंगे दस दस परसेंट और बाकी का बचा हुआ अस्सी परसेंट आप मेनली बॉडी को कॉन्ट्रीब्यूट करें दैट विल कम आउट टू बी अराउंड थ्री ट्वेंटी वर्ड्स ठीक है ये कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है आप इंट्रोडक्शन के चालीस की जगह पचास भी कर सकते हो कंक्लूजन के चालीस की जगह पचास भी कर सकते हो uh, बॉडी के 320 की जगह 300 भी कर दोगे एक 400 वर्ड के आंसर में लेकिन ये बस एक आइडियल सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल सकता है काम ये आप चीज लेकर के चलो और आंसर जितना आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करो आलस मत दिखाओ ये अपना आलस है आपका कि हम टाइपिंग अपनी तो तेज ना करें प्रैक्टिस तो ज्यादा ना करें वर्ड लिमिट ही कम कर देते हैं जुगाड़ निकाल रहे हो ना वही जो हम करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह जुगाड़ निकाल लें बेटा नंबर नहीं आएंगे पेपर के अंदर अभी लिखवा करके ले लो मेरे से एक आधे बच्चे के आ जाएंगे सौ बच्चे पेपर देने जाएंगे तो एक बच्चे का भाई ये सक्सेसफुल होगा सिर्फ सिर्फ और सिरफ। बाकी नाइनटी नाइन पेपर से आकर के रोएंगे जब नंबर आएंगे तब रोएंगे कि हमारे नंबर क्यों नहीं आए तो ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता था और इस बात का ध्यान रख करके ही अपने आगे के आंसर लिखें अपनी वर्ड स्पीड के ऊपर काम करें हाँ जिसके अंदर आप छोटा कर सकते हो बिना उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे वहां पर आप छोटा करो बच्चे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करो ठीक है चलिए अब इस लेक्चर में मेरे को इतना ही बोलना था बेसिकली ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था एंड मिलते हैं फिर कंटेंट के साथ किसी दूसरे लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय